Hey, what's up, guys? हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, OMG 2 से एक गाना आया है जिसका नाम है ऊंची ऊंची वादी। अभी हम लोगों ने रिव्यू किया है हमारे जुड़वाज वर्ल्ड वाइड में, जाके चेक कर लेना, अच्छा था वो, ठीक है। उसमें से स्टोरी भी कुछ कुछ समझ में आ गई। बिल्कुल। तो अक्षय कुमार भाई मस्त दिख रहे हैं और पंकज त्रिपाठी तो अच्छा एक्टर है ही भाई है। और ये हंसराज रघुवंशी लिखा है, तो ये भाई मेरा बोला है भंडारी करे नंद की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, यही गाना है ना। और एक गाना है, और एक गाना है यार, और एक गाना था जो हम उनके लैंग्वेज में था, एक ऐसा ऐसा, अरे यार वो गाना याद नहीं आ रहा मेरे को। इधर तक इतने सारे गाने करते ना गाइस, तो ये तो भूल रहे हैं। यार एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको, वो गाना क्या है यार, आपको याद आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बीच में याद आएगा तो बता देंगे, थोड़ा एक गुड एक, चलो ठीक है, बीच में याद आएगा तो बता दूंगा। अपन ने रिव्यू भी किया है शायद। हाँ ऐसा, अरे यार है गाना रघुवंशी यार, वो भाई ऐसे ही गाने बनाते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही गाने बनाते, वेरी नाइस यार, बहुत बड़े भक्त है वो शिवजी के। तो चलो अपन ऊंचे ऊंचे वादिया पे आते हैं। हाँ, क्या इन्होंने बनाया है, क्या नहीं, क्या म्यूजिक रहेगा, क्या कंपोजिशन, बाकी तब तक आपको कमेंट सेक्शन में बताना वो गाना कौन सा है। बिल्कुल, हमने रिव्यू भी किया है। दो बंदे है, ठीक है, वो वायरल वाला नहीं, जो रैपर है वो नहीं, एक उनके सारे से आ रही है, ठीक है। तो चलो यार मेरे को गाना याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो गाने पे आते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट पार्ट बताना, गाने जरूर का बताओ, बाकी वो भी गाना बताना जो उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल, मस्त बनाया ना वो गाना, हाँ मस्त लगता है उनको। चलो लगा दे ऊंची ऊंची वादिया, अपन सुनते हैं बढ़िया से। और अच्छा, अभी भी वही गाने पे अड़ा है, मैं भी अभी भी वही गाने पे अड़ा हूं, पता है। चलो ये गाना सुन लेते हैं, फिर याद आ जाएगा। ये पूरा फोकस इस पे करते हैं, अभी फिर बाद में वो गाने पे आते हैं। चलो वाह नाइस स्टार्ट, बहुत अच्छा है, फ्लूट आ गई, मजा आ गया। ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूम होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले एक्टर है यार। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकाल दर्शी शंकरा, रुद्र रूपा महादेवा त्रिकाल दर्शी शंकरा, उस अंधकार में क्यों जा रहे हैं महाराज, अब आप ही आके राह दिखाओ। पर्वत पे बैठा ये वो बन क्या है, सॉरी, जो भी मतलब ये देखो, ये 100% है कि अपने जो अक्षय कुमार भाई है वो अपने वो शिव जी है। हाँ। शिव जी, हाँ, मतलब शिव जी बने वो, ऐसे वो आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद देने वो बचाने तो ऐसा, अगर अगर मनुष्य रूप में बने ऐसे हो सकता है। देखो गाना कौन सा बता, मेरे को याद, राधे 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 बो मन क्या क्या पता, ये गाना वाला था। अरे यार पक्का नहीं, वो अलग था। अच्छा अलग था क्या? अच्छा अलग था। तो गाइस ठीक है, बट मैं आ रहा था गाने पे,
कि जो हमारे मैं एक्चुअली मूवी के इसमें आ रहा था, गाने पे नहीं आ रहा था वो, हाँ। जो अगर वो शिव जी, हाँ। ये बने हैं अपना अक्षय कुमार, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर, हाँ। पकड़ा है उन्होंने, पकड़ा बहुत बहुत अच्छा, एकदम प्रॉपर कैरेक्टर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, समझ रहे तू? जितना मैंने फोटो वोटो में देखा है वो, नहीं क्या, तो उस हिसाब से। और अपन वो अपने को अपना ऋषि बताता था देख कहानी, उसमें जो फोटो में दिखा था तो वैसे हिसाब से बहुत बराबर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो गाइस कैरेक्टर बहुत सही लिया है, कैरेक्टर। और अगर मैं गाने के बारे में बाद में बात करता हूँ, देखो ये भगवान का गाना है, इसको जज नहीं करते, पर एक चीज अगर चेंज होती ना इसमें, तो म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक गाने के मतलब, हाँ म्यूजिक के बारे में, सॉरी सॉरी म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के बारे में एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, अगर वो गाइस थोड़ा चेंज होता ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये गाने की अलग ही हो रहा, मतलब इतना दिल में घुसता है कि मतलब सही बात, अलग ही हो जाता था। तू भी पकड़ रहा है ना वो चीज, बिल्कुल ऐसा है। आगे सुनते हैं, पीछे करते, थोड़ा पीछे करते, थोड़ा पीछे ये बारे में बात करते। हाँ चलो, वेरी नाइस। बोले रुद्र रूपा महादेव त्रिकाल दर्शी शंकरा, उस अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज, अब आप ही आके राह दिखाओ। पर्वत पे बैठा मेरा भला शंकर, मैं उसका दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, झूठी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूम होके तुझ में मगन, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले रख विश्वास तू है शिव का दास, रुद्र रूपा महादेव त्रिकाल दर्शी शंकरा, रुद्र रूपा महादेव त्रिकाल दर्शी शंकरा शंकरा। ये एक जो लास्ट का पार्ट है पूरी मूवी का सीन बता देता है, और मेरे को अभी एक याद आ रहा है, एक ना अपने अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ हाँ, वो सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल, ये लुक में आते हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी शूटिंग चल, हाँ, उसकी शूटिंग चल रही थी। गाने के बारे में बोलूं, गाना गाना बहुत अच्छा, कंपोजिशन बहुत प्यारा है, सोलफुल, मतलब कंपोजिशन सोलफुल है, दिल पे लगता है वैसा गाना है। अब जैसे कि इसका जो बीट है ना निशा, वो अलग होता ना, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा काम करता, क्योंकि फ्लूट प्रीत मेरा दोस्त है, मैं अभी देख रहा हूँ, फ्लूट प्रीत मेरा दोस्त है जिसने बहुत सारे गानों में बजाया, फ्लूट अच्छे थे, गिटार्स काफी अच्छी है, समझ रहे हो, कंपोज काफी अच्छा किया है गाना, बट मतलब एक बीट्स, हाँ बीट जो थी वो, क्योंकि गाइस मैं बता रहा हूँ एक चीज बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूँ मैं, जस्ट इसके पहले इसी रिकॉर्ड लेबल का एक गाना सुन रहा था, बिल्कुल खैरियत बाय अरिजीत सिंह एंड मिथुन, उसकी बीट देखो, बिल्कुल उसकी बीट जो है ना इतनी क्लियर और क्रिस्टल क्लियर बज रही थी, बिल्कुल, तो वैसी बीट अगर इसमें कैसे अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें जो किक है ना वो दब गई, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स प्रॉपर यूज किए, एकदम प्रॉपर, सिर्फ वो जो रिदम है ना, रिदम वाला सेक्शन और जानदार रहा, बिल्कुल, और खुला होता, तो खुला होता तो, और मतलब गाने क्या बात है, कान ऐसे एकदम प्रसन्न हो ऐसा लग जाता था अपने को, कि एकदम मजा आता था। जैसे कि वही अजय अतुल ने म्यूजिक किया था, मंगलवार राम जिया राम जिया राम जय जय राम राम, वो हो गया, आप इनका ही गाना सुन लो, हंसराज रघुवंशी का, ओ मेला भोला है भंडारी करे नंद की सवारी शंभुनाथ रे, उसका भी एक
एक अलग एक चार्ज आता है, समझ रहे हो? बिल्कुल, एक अलग चार्ज आता है। तो ये इसमें रिदम में, सिर्फ रिदम, रिदम सेक्शन जो था उसमें और पावरफुल बना सकते थे, बस बाकी सब कुछ सही है। लिरिक्स बहुत प्यारी है, कंपोजिशन बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट मतलब जो स्ट्रिंग्स हो गए, फ्लूट हो गए, ये सब फिलर्स हो गए, वो सब बहुत अच्छा है। सिर्फ रिदम पैटर्न हमने, मतलब बीट जो ऐसे नहीं चाहिए, बिल्कुल बाकी सब एक नंबर खुली चाहिए थी थोड़ी सी। तो गाइस यार मजा आ गया, देख बाकी तो मजा आ गया यार, ये वन टेक रिव्यू था गाइस। हमको वन टेक में जो हमको लगा हमने बोला है। हाँ। बाकी गाना बहुत अच्छा है, दिल को सुकून देने वाला है, दिमाग शांत करने वाला है, सब कुछ अच्छा है। बस एक ही चीज है कि वो अगर ऐसा होता तो, बाकी अगर कुछ हमसे छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना। बाकी आप ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, पीस आउट।